पहली मई तो यूनाइटेड सैकल हैंड पार्ट्स मैनुफैक्चर एसोसीएशन की एक बहुत अहम मीटिंग हुई सी वर्किंग कमेटी की, जिहड़े बाहर व्यापारियों ने नजायज़ तौर पर कई कई सालों तो पैसे रोके हुए हैं, उन्होंने अप्रोच करके पैसे वापस दिलाए जा करते करते अज की डेट के 400 तो उपर नोटिस दे चुके हैं, शायद जे मैं गलत नहीं तो 410-12-13 नोटिस जा चुके हैं। ये एक महीने के तकरीबन 80-85 लाख रुपया जिंद इनफॉर्मेशन मेरे को ले आ चुकी है, मैंबर का वापस आ गया। अखीर उन्होंने बेनती की जा रही कि जे हूँ भी तुम पैसे नहीं दते तो साइकिल इंडस्ट्री के उन्होंने नाम सर्कुलेट कर दिता जाएगा। देखो पहली मई तो यूनाइटेड साइकिल हैंड पार्ट्स मैनुफैक्चर एसोसीएशन की एक बहुत अहम मीटिंग हुई सी वर्किंग कमेटी की, उस फैसला किया गया कि साढ़े मैंबर के जोड़े बाहर व्यापारियों ने नजायज़ तौर पर कई कई सालों तो पैसे रोके हुए हैं, उन्होंने अप्रोच करके पैसे वापस दिलाए जा। इस कड़ी दे विच असी मैंबर की रिक्वेस्ट सानू रिटर्न आती है, नाल अकाउंट स्टेटमेंट आती है, एसोसीएशन उस चिट्ठी के बिहाफ से जिहड़े बंदे ने पैसे देने हैं इंडिया लैवल च उन्होंने एक चिट्ठी कढ़दी है, उस चिट्ठी के नाल सारे तत्थ नाल लाने असी। तकरीबन शुरू के 100-125 चिट्ठियां गई करते करते अज की डेट के 400 तो उपर नोटिस दे चुके हैं, शायद जे मैं गलत नहीं तो 410-12-13 नोटिस जा चुके हैं। वह असर यह होया है कि पूरे इंडिया के माहौल बन गया कि यूनाइटेड साइकिल हैंड पार्ट मैनुफैक्चर एसोसीएशन का जोड़ा एडा बहुत व्डा उपराला होया। एक महीने के तकरीबन 80-85 लाख रुपया जिंद इनफॉर्मेशन मेरे को आ चुकी है, मैंबर का वापस आ गया। हाली कई सारे मैंबर ने अपना डेटा अपडेट करके नहीं दिता, इसका मतलब जे असी करोड़ के नेड़े पेमेंट एक महीने लैके देती है मैंबर की, ये मैंबर का ही सहयोग है कि डीलर जोड़े ठीक काम करना चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया, उन्होंने पता लग गया कि हूँ लुधियाने के साइकिल पार्ट्स ही असी पेमेंट रोक नहीं सकेंगे। दूसरी गल आई है कि जिन्होंने कुछ किस्त करती, कुछ बंद ने हाली पेमेंट नहीं दिती, उन्होंने असी यह फैसला किया कि आ देखो अज की डेट के मेरे को फाइनल रिमाइंडर जा रहे हैं, उन्होंने एक फाइनल रिमाइंडर ये जा रहा है जी कि आखिरी मौका दे रहे हैं, अपने रिलेशन नहीं बिगड़ने चाहिए मैनुफैक्चरर दे ट्रेडर दे, क्योंकि जे असी इस तरह पैसे रोकोंगे तो असी लड़न वाला बंदा तो साइकिल इंडस्ट्री कोई भी नहीं है जी। बेनतियां करनिया है, अखीर उन्होंने ये बेनती की जा रही कि जे हूँ भी तुम पैसे नहीं दते तो साइकिल इंडस्ट्री के उन्हों का नाम सर्कुलेट कर दिता जाएगा। वर्किंग कमेटी पुछ के कि फाइनल अथॉरिटी वर्किंग कमेटी की है, जो उन्होंने नाम ऑल ओवर इंडिया चला गया भाई ये व्यापारी इस बंदे दे पैसे रोक के बैठा होया है, मैं समझना कि पैसे तो हम देने ही पैणगे, आने वाले समय च उस व्यापारी का जो नजायज पैसे तोड़ रोक के बैठा है साइकिल इंडस्ट्री काम करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कोई भी बंदा माल नहीं देगा। ये नाल ही सू बहुत फोन आ रहे हैं दूजे ट्रेड तो ही भी ये तुम काम वधिया किया, वो ट्रेड वाले भी इस लिया तो चलना चाहते हैं, यदा मतलब वो बंदा जड़ा किसी भी मैनुफैक्चरर का अपने सप्लायर के पैसे रोक के बैठा किसी भी ट्रेड का होते वास्ते एक लैसन बन गया कि हूँ लिया शुरू हो गई ने, पैसे रोकने बंद कर दौ। एक इस लैटर थ्रू मैं थोड़ी तो इस बहुत बड़ा चैनल है एक बेनती करनी चाहवागा कि मेरे भराओ जे हाली भी तुम नहीं पैसे दते तो मुड़े आओ माड़े कामों तो पैसे देने शुरू कर दौ, ठीक है तुम एक बार नहीं दे सकते दो बार दे दौ, पर जे सोचिए कि पैसे मार के बैठने हैं वह समा लंघ गया, व्यापारी जागरूक हो चुका है, एसोसीएशन बड़ा स्ट्रोंोंग स्टैप लै चुकी है। मैं नाल ही मैंबर भी यह बेनती कराँगा कि अपना डेटा अपडेट कर दौ, जिन्होंने हाली तक कंप्लेंट नहीं दी, जे थोड़े भी पैसे रुके हुए हैं कृपा करके एसोसीएशन के रिटन कंप्लेंट करो, वो अकाउंट स्टेटमेंट दो। तो मैं पूर्ण विश्वास दिलाना कि सारी एसोसीएशन थोड़ी पिठ से खड़ी है, एक एक पाई रिकवर करने वास्ते असी कोशिश कोई कमी नहीं रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, परनीत सिंह भारती मेरा नाम है जी। मेरे
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है मेरी अपनी कंपनी है तो मेरे भी कई रुपये इन्होंने प्रधान जी की मेहनत द्वारा जोड़ा इन्होंने उपराला किया वो द्वारा आए तो मेरे नाल जो होर कई कंपनियां ने जोड़े कोई समाल स्केल इंडस्ट्री वाले है उन्होंने पैसे भी मिले ये बहुत वधिया उपराला किया और समाल स्केल इंडस्ट्री वाला इन्नी मेहनत के नाल अपना माल बना एक ट्रेडर के उत्ते विश्वास करता वा कि मैनू उधरों दो पैसे आने लेकिन कल उतों पेमेंट ना आने करके वो बंदे दे सारे ही मनसूबे जिवें किसान की फसल नो अग लग जाने वाली गल हो जाती है खत्म हो जाती है उम्मीदें खत्म हो जाती है तो वो हुण जिहड़ा उपराला ना तो अगला कोर्ट में जाता ना होर पासे एसोसीएशन ने इन्ना वधिया उपराला किया जिहदे करके साडे तो साढ़े नाल जिनी समाल स्केल इंडस्ट्री है होर जिन्हें मैंबर आ उन्हां दी सारियां दी पेमेंटां वापस होनियां शुरू हुई ने तो लगभग 80 लाख के करीब के फंड हुण तक आ चुके हैं तो होर भी जिहड़े साढ़े नाल दे बंदे आ उन्हां नूं मिल जाणगे। ये प्रधान साहब ने बहुत वधिया उपराला किया वा ये इंडस्ट्री वास्ते भी जिन्होंने इन्होंने जेक व्यापारी बंदा वा पैसे फस जाते ने वो पैसे इन्होंने बहुत वधिया काम किया वा जिन्ना भी छोटे मैनुफैक्चर आ ना हम पहला बाहर माल जो भेजते बहुत खराब करते पर हूँ जो इन्होंने उपराला चक्या सारे पासे पैसे देने लग गए मतलब वधिया उपराला होया।